गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर अंजना दीवान, सीता नेगी, गुड इवनिंग रेखा, गुड इवनिंग कल का टेस्ट कितने लोगों ने दिया था आप में से? सर दिया था मैंने, फिर मैंने नहीं दिया था सर। मैंने भी दिया था सर। कल सब लोग सब सारी क्लासेस के टेस्ट थे तो फिर देखने का टाइम नहीं मिला सबका, आपका पेपर कैसा कैसा हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं, अच्छा किया होगा। आज कर लूंगा चेक इसके बाद में, क्लास के बाद इस लोगों किसने कितना किया। मुश्किल प्रश्न रखे थे क्या जिस जिसने अटेम्प्ट किया? सर मुश्किल तो नहीं था पर लेक्चर ढंग से नहीं लगवाए थे। ओके ओके सर एक प्रॉब्लम क्या थी, हम लोगों ने जो क्वेश्चन है वो ढंग से नहीं पढ़ा था, ऐसे मतलब जल्दी हफड़ा दफड़ी में ही हमने क्वेश्चन कुछ गलत कर दिए, ढंग से नहीं पढ़े क्वेश्चन हमने। चलिए कोई बात नहीं, आगे के लिए आपको आइडिया हो गया अब कि क्वेश्चन को आराम yes, से देखना है, समझना है। एक तो बड़े लेट जुड़ते हैं सारे लोग, गलत बात है ये तो। चलिए आई थिंक इतने ही आएंगे, बाकी लोगों ने नहीं आना होगा। आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो रिकॉर्डेड देख लेंगे फिर। चलिए हिंदी साहित्य आदिकाल, पिछले कल जिसने क्वेश्चन नहीं दिए थे या क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे उनके लिए कुछ एक नए प्रश्न इसमें दिखेंगे और कुछ लोग जो हैं कुछ प्रश्न वही रहेंगे, एक आधा शायद वैसे ही आपको रिपीट हो जाए। और कोई कंफ्यूजन अगर आपको होगा उन प्रश्नों में तो आप फिर कह सकते हैं, आप अपना स्क्रीनशॉट लेके भी बता सकते हैं जिसमें आपको डाउट लग रहा है, जो आपने पहले लिए थे मतलब जो आपने टेस्ट दिया है कल शाम को। ठीक है, तो ये चीज देखनी है आपने। चलिए ऑल ओके है, रेडी है सारे लोग? आप में आपने पोल में पहली बार आंसर किया या दूसरी बार कर रहे हैं आज? दूसरी बार। चलिए तब तो आपको पता है कि कैसे करना है, इसमें माइक वगैरह कोई भी ऑन नहीं करेगा अपना, चीटिंग नहीं करनी है। ओके ऑल द बेस्ट, पूरा हमारा आदिकाल कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड जब पिछले कल 20-25 प्रश्न थे इतने ही प्रश्न आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको और डिस्कस भी करेंगे साथ में। सबसे पहले आता है आदिकाल का यह नामकरण किसने किया था, चलिए देखते हैं कितने लोग इसको ठीक करेंगे। आपके पास है 30 सेकंड, इन 30 सेकंड में आपने इसका जवाब ठीक करना है। कृष्णा शर्मा, रेखा, सीता नेगी, 7 लोगों ने ठीक आंसर किया है, 2 लोग गलत कर रहे हैं, क्या बात है, एक का आंसर ही नहीं आया। अंजना धीमान एंड रचना सुमन आंसर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आदिकाल का नामकरण, ये तो सबसे पहले जब हम आदिकाल के बारे में पढ़ते हैं वहीं पर हमें इसका आंसर उसी वक्त पता होता है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सा बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं था ये, बहुत ही आसान प्रश्न था, है ना। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये वीर गाथा काल कहते हैं। ठीक है, ये नाम याद रखना इनके बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आप सब लोग जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो नामकरण है ये आदिकाल ही रहा इन्होंने दिया, एंड साथ ही साथ इन्होंने कहा कि ये अत्यंत विरोधी एवं व्याघातों का काल रहा है। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी से, ये इनकी एक पंक्ति है आपको। हालांकि पंक्ति वाले प्रश्न वैसे कम पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी अगर कभी कभार आपको पूछा जाए तो फिर आप इसका आंसर
कर सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि सबसे ज्यादा विरोध और व्याघात जहां पर रहे, अलग अलग विद्वान आप देखेंगे अलग अलग नामकरण इसको देते हुए नजर आते हैं। राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने कहा था सिद्ध सामंत काल, सिद्ध और सामंत। देखिए सिद्ध सामंत काल इन्होंने इसलिए कहा, एक तरफ सामंती व्यवस्था थी, दूसरी तरफ जो सिद्धों से ये मानते हैं कि इसका आविर्भाव हुआ और सिद्ध साहित्य जो रचा गया है उसी के चलते इन्होंने बोला कि ये क्या है, सिद्ध सामंत काल है। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल के संदर्भ में कौन सी चीज कही है, कोई ज्यादा इनका इतना महत्वपूर्ण नाम नहीं मिलता है नामकरण की, लेकिन इनका जो भक्ति काल के अंतर्गत सूफी और संत काव्यधारा में इनके द्वारा जो नामकरण किया गया है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने जैसे चारण काल कहा, साथ ही साथ संधि काल कहा, उसको भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो ग्रियर्सन ने पहले कह लिया था, इन्होंने सिंपली इसको संधि काल कहा है, उसको आपने याद रखना है। लेकिन साथ ही साथ सूफी और संत जो बाद में नामकरण किया गया वो इनकी एक विशेष उपलब्धि रही है रामकुमार वर्मा से, ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का है। राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने लिखा हिंदी काव्यधारा 1944, रामकुमार वर्मा ने 1938 में लिखा है, देखना, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तीन इतिहास से संबंधित ग्रंथ लिखे, एक रहा इनका हिंदी साहित्य की भूमिका जो इन्होंने 1940 में लिखा था, उसके बाद हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, और 1952 में ही इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल भी लिखा। और ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि आदिकाल का विशद विश्लेषण करने वाले साहित्य इतिहासकार कौन रहे हैं, तो यहाँ पर आपको यह आंसर करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल शीर्षक से 1952 में एक प्रसिद्ध रचना रची है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो आप सब लोग जानते ही हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था, और सबसे पहले ये हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित प्रकाशित जो ग्रंथ रहा हिंदी शब्द सागर, उसकी भूमिका के तौर पर लिखा गया था, ठीक है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, उसको भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखना। यहाँ से लगभग आपके 5-6 क्वेश्चन या यूं कहें कि 8-10 क्वेश्चन इसी एक प्रश्न से और भी बन गए हैं, इन प्रश्नों को सबको ध्यान से याद रखना है, ठीक है, तो ये चीज है जो आपको सबको करनी है। ओके, क्लियर है पहला वाला क्वेश्चन, किसी में कोई कंफ्यूजन अभी भी रहा चारों विकल्पों में से, फॉलो किया? यस सर। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए गलत युग्म का चयन कीजिए, चलिए देखते हैं कितने लोग इसको ठीक करेंगे। गलत युग्म का चयन करना है आपको, ओहो, किसी ने भी ठीक नहीं किया, क्या आंसर दिया था इसका, सही आंसर होना चाहिए था इसका विकल्प नंबर बी, सिद्ध सामंत काल। अभी तो बताया मैंने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने नहीं कहा बल्कि राहुल सांकृत्यायन ने कहा सिद्ध सामंत काल, बीज बप्पन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, और चारण काल अभी तो मैंने कहा, बावजूद उसके गलत हो गया क्या सर? बी गलत होगा ना सर? बी किया था सभी ने। मैंने क्या आंसर दिया? सिद्ध सामंत काल आपने सी किया है सर, शायद सर सी किया आपने। यस सर, बी किया था सर। अच्छा, मैं वो साथ में उनको रिप्लाई कर रहा था रजनी को ना, मुझे लगा मैंने बी किया, शायद उनसे हो नहीं रही है, ज्वाइन नहीं हो रही क्लास उनकी, तो चलिए कोई बात नहीं, बी इसका सही आंसर था, है ना, अच्छी बात है, सबने ठीक किया था पक्का? सर बी किया था सर, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एलटी टेट के लिए तो हर बारी पूछा ही पूछा जाता है, ना सिर्फ एलटी टेट आप देखेंगे एचपी सेट। रजनी पठानिया, गुड इवनिंग,
शाबाश शाबाश, सिर्फ 6 लोग आंसर कर रहे हैं, 7 4 लोग आंसर नहीं कर रहे हैं अभी भी, 4 लोगों का जवाब नहीं आ रहा है। सीता नेगी, कृष्णा शर्मा, रचना, 1 आंसर गलत हो गया। कौन कर रहा है? डी कर रहा है, अंजना धीमान। अच्छा, डी क्यों कर रहे हैं? सॉरी। रश्मि, अर्चना, रेखा एंड रजनी, अटेम्प्ट कीजिए सारे। क्वेश्चन शो नहीं हो रहे हैं क्या? क्वेश्चन शो हो रहा है सब? हो रहे सर। ओके ओके, यहाँ पर पुरानी हिंदी नामकरण जो किया था चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने, ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बोला कि हिंदी नई चाल में ढली। प्रताप नारायण मिश्र ने बोला, इन्होंने बोला हिंदी हिंदो हिंदुस्तान, जपो निरंतर एक जुबान, ठीक है। जबकि अमीर खुसरो ने क्या कहा, इन्होंने कहा हिंदुई, हिंद की, या फिर हिंदवी, इन शब्दों का इस्तेमाल इसने सबसे पहले किया है। और खालिक बारी इनकी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना रही है, जिसमें इन्होंने 30 बार हिंदवी शब्द और 5 बार जो है हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया था। अमीर खुसरो तो हिंदुस्तान की तूती भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, देखना इसको भी याद रखना है। हिंदी से संबंधित चारों के चारों नाम जो है इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका चंद्रदास शर्मा गुलेरी होगा, या फिर भारतेंदु होगा, या फिर प्रताप नारायण मिश्र होगा, ठीक है। अमीर खुसरो को यहाँ पर आपने याद रखना है कि इनको कहा जाता है हिंदी खड़ी बोली का आदि कवि, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंड साथ ही साथ प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युगीन प्रमुख लेखक रहे हैं, इनसे भी आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है यही पूछी जाती है बार बार हिंदी के संदर्भ में, ये है इनकी इंपॉर्टेंट। बाकी भारतेंदु ने हिंदी भाषा शीर्षक से एक निबंध भी लिखा था, उसको भी आपको याद रखना, वो एक छोटी कृति रही इनकी, है ना, भाषा से संबंधित। और 1873 में इन्होंने कहा कि हिंदी भाषा जो है नई चाल में ढली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। पुरानी हिंदी नामकरण चंद्रदास शर्मा गुलेरी के बाद, उसके बाद आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और जो दूसरा नाम आता है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने भी पुरानी हिंदी नामकरण दिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि पुरानी हिंदी इन्होंने किसको कहा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी अवहट का जो उत्तरी अवस्था है, या अपभ्रंश की जो उत्तरी अवस्था है, उसको ही आप कहेंगे कि इसको इन्होंने क्या कहा, पुरानी हिंदी कहा। उत्तरी अवस्था से मतलब है कि जैसे जैसे आपका अवट होता गया, उससे आगे जो भाषा रही उसको इन्होंने कहा कि ये प्राचीन हिंदी या पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं ये सारे। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर आगे, यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक नाम सरप्पा का नहीं है, निम्न में से कौन सा नाम सरप्पा का नहीं है? शाबाश, सिर्फ 4 लोग आंसर कर रहे हैं, क्या बात है। आठ ही आंसर है अभी तक, 9 लोगों ने आंसर किया है। सीता नेगी, पंकु चौहान, करिश्मा, कृष्णा शर्मा, पूनम, अंजना धीमान, गलत कौन कर रहा है? 3 लोग गलत कर रहे हैं, अन्नू, सुमन, रेखा। आंसर कौन नहीं कर रहा है? आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? रितिक, अर्चना, रश्मि एंड रजनी, आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। आंसर कीजिए, है ना, गलत हो जाए कोई बात नहीं, पर आंसर करना जरूर है। एक नाम से रपा का नहीं है, ये थे बलभद्र, ठीक है, बलभद्र इनका नाम नहीं रहा। बाकी जो है सरोज भद्र और राहुल भद्र, ये नाम किसके रहे? सरप्पा के रहे हैं। सरप्पा का जो समय रहा ये कौन बताएगा? सरप्पा का समय क्या था महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार? एक बार फिर से देखना, 769, 69 मतलब 69, 69 तो ऐसे होगा, 59 तो 59 होगा, ठीक है, 769 रहा इसका समय। ये भी पूछा जाता है, अगर पूछा जाए शताब्दी में तो ये आपको याद रखना है कि 8वीं शती में हुए सरप्पा,
ठीक है, सरोज भद्र, राहुल भद्र, सरप्पा की जो रचनाएं रही देखना, इनको संपादित, रचनाएं तो हम नहीं कहेंगे, इनके जो फुटकल पद रहे उनको संपादित किसने किया, प्रबोध चंद्र बागची ने किया दोहा कोश नाम से। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि दोहा कोश में न सिर्फ सरप्पा की रचनाएं रखी गई, बल्कि इसमें जो आपके तिलोपा एंड कणप्पा दो नाम और रहे हैं, उनकी जो फुटकल पद हैं, उनके जो गेय पद हैं, उनको भी उसमें शामिल किया गया है, तिलोपा एंड कणप्पा, ये दो नाम भी इंपॉर्टेंट है सरप्पा में। देखिए इसमें सिद्ध साहित्य में इनको आपको ध्यान में रखना है। बाकी सिद्धों की कितनी संख्या थी, सिद्धों ने कहां पर किया, सिद्धों की भाषा क्या रही, ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता है, इनको आप साथ साथ में याद रखते रखिए, है ना। सबसे प्राचीन अगर पूछा जाए तब भी आपका क्या हो जाएगा, सरप्पा ही हो जाएगा, कि सिद्धों में सबसे प्राचीन जो रहे, है ना, पुराना नाम किसको माना जाता है, तो वो सरप्पा का ही माना जाता है। और इसमें जो पा लास्ट में जोड़ा जाता है, देखिए इनके नाम के साथ, उसका मतलब है कि ये आदर सूचक शब्द रहा है, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, आदर बोधक या आदर सूचक शब्द के तौर पर इस्तेमाल किया गया पा या पाद शब्द का, ठीक है। चलिए इसको भी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। नेक्स्ट है, हिंदी का भभूति किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी का भभूति। चलिए देखते हैं कितने लोगों को अभी याद है, कितने लोग इसको भूल गए हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, आठ लोग, ठीक, आठ लोग कर रहे हैं आंसर, बाकी लोग नहीं दे रहे हैं जवाब, पांच लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, चार, दस, शाबाश, ग्यारह, हाँ हाँ हाँ, दो लोग और रह गए हैं आंसर करने वाले। चलिए ग्यारह लोगों ने जवाब दिया है, अच्छी बात है। सीता नेगी, पूनम, सुमन शर्मा, सिर्फ तीन लोगों ने सही आंसर किया, बाकी लोग कर रहे हैं जी, रजनी कर रहे हैं ए, बी की तरफ पांच लोग, चलिए रेखा, रितिक, अर्चना, पंकु, एंड टी की तरफ भी जा रहे हैं दो लोग, मतलब कि ज्यादा गलत कर रहे हैं। सरप्पा, सरप्पा को क्या, सरप्पा को तो कुछ कहा ही नहीं जाता है ना, ये तो सरोज भद्र और राहुल भद्र थे, ये तो नहीं होना चाहिए था। स्वयंभू, स्वयंभू को कहा गया है अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास, ये भी आपको ध्यान रखना था। पुष्पदंत को कहा जाता है हिंदी का भभूति, ये आपको याद रखना था, पुष्पदंत, पुष्पदंत को पुष्य या पुंड कवि भी कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें कहा हिंदी का पहला कवि, इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न भी, हिंदी का पहला कवि किसको कहा गया, शिव सिंह सेंगर के द्वारा पुष्य या पुंड कवि को कहा गया है। पुंड का जो समय रहा ये कौन बताएगा, पुष्पदंत का समय क्या था, शाबाश, सरिता, पुष्पदंत का समय क्या था, दसवीं शताब्दी, दसवीं शती, दसवीं शती के आसपास रहे, पुष्य कवि या पुष्पदंत। हेमचंद्र, हेमचंद्र को कहा जाता है प्राकृत का पाणिनि, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्राकृत का पाणिनि किसको कहा गया है, हेमचंद्र को कहा गया है, बाकी यहाँ से और जो नाम है वो आपके नहीं है ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट, है ना। सरप्पा से आपको पहले ही मैंने बता दिया, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास ये कहा जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर पुष्पदंत को भभूति, साथ ही साथ पुष्पदंत को एक और चीज भी कही जाती है, वो कहा जाता है भाखा की जड़, ये भी आपको ध्यान रखना है, भाखा की जड़, और भाखा की जड़ इनको किसने कहा, ये कहा शिव सिंह सेंगर ने, ये भी आपको याद रखना है पुष्पदंत से, पुष्पदंत की प्रसिद्ध रचनाएं ये पिछले कल भी आपको बता दी गई थी, उनको आप वहीं से याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार फिर से जिन लोगों ने पिछले कल वाला टेस्ट नहीं दिया था वो पहले वाले टेस्ट को जरूर देखें, और जितने भी प्रश्न उसमें हुए हैं उनको वहीं से आप देखते रहिए कि क्या क्या चीजें उसमें थी। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है, यहाँ पर आपको रचना दी गई है एक आदिकाल की रचना, और यहाँ से इतना तो तय है कि पाहुड़ दोहा जो है आपकी किस तरीके की रचना है, आदिकालीन रचना है। चलिए अब आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये, और ये लगभग सबका सही होना चाहिए, वेरी वेरी सिंपल। शाबाश शाबाश शाबाश, सीता नेगी, पूनम, पंकु चौहान, अंजना धीमान, पांच लोग ठीक कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं गलत।
तीन लोग कर रहे हैं, बी की तरफ दो लोग जा रहे हैं आपके, सी की तरफ एक, डी की तरफ। अच्छा ओके, यहाँ पर पाहुड़ दोहा जो रचना रही ये रही मुनिराम सिंह की, और मुनिराम सिंह किस तरीके के रचनाकार रहे ये रहे हमारे आपके जो ऐतिहासिक है ना, ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है इनके बारे में। ऐतिहासिक थे या रहस्यात्मक थे, कैसे थे ये मुनिराम सिंह? अपभ्रंश के रहस्यात्मक या ऐतिहासिक? शाबाश, कौन बताएगा? रहस्य भावना रही इनमें है ना, ये ध्यान रखना। शारंगधर की रचना कौन सी थी? शारंगधर की हमीरासु सर। हमीरासु। जोइंदु, जोइंदु की तो कल वाले क्वेश्चन में भी आपको पूछा गया था, योगसार और परमात्मा प्रकाशन परमात्मा। हाँ, योगसार और परमात्मा। यस, तो इसका नाम जो रहा था देखना, ये इसका नाम योगिंदु भी है, उसको भी ध्यान रखेंगे आप, योगिंदु भी इसका ही नाम है, ठीक है। लक्ष्मीधर, लक्ष्मीधर की रही प्राकृत पैंगलम, उसको भी याद रखना है, प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर की रचना रही है ना। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करते रहिए। फिर भी किस रचना में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र मिलता है? 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र किस रचना में देखने को मिलता है, ये बात आपको बतानी है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, और कल शाम को भी दिया गया था। अभी तक सीता नेगी लीड कर रहे हैं सब लोगों से आगे बढ़ के। और जो लोग क्लास में नहीं आ रहे हैं उसके उनके लिए तो कोई गुट्टी है नहीं मेरे पास, है ना। जो जितना रेगुलर रहेगा उतना अच्छा रहेगा। अब बाकी लोग अगर तो रिकॉर्डेड देख रहे हैं रेगुलरिटी के साथ तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं देख रहे हैं तो काइंडली देखते रहिए, नहीं तो फिर लास्ट में पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। ऐसी ऐसी बातें हैं। 31 स्टूडेंट काफी होते हैं और सब तक पहुंचा भी जा सकता है। सीता नेगी, पूनम कृष्णा, रजनी पठानिया, बहुत बढ़िया। एंड पांच लोगों ने ही किया है इसको भी, ठीक, चार लोग गलत कर रहे हैं। एक ही तरफ क्यों जा रहे? ऋतिक आज पढ़ के नहीं आए क्या? ऋतिक देखिए, 63 महापुराण, इसको कहा गया है 63 महापुरुष गुणालंकार, इसका दूसरा नाम क्या है? 63 महापुरुष गुणालंकार, ये इस रचना का दूसरा नाम है, उसको याद रखना है। ये यहीं से आपको पता लग जाएगा कि 63 महापुरुष गुणालंकार मतलब सिंपल सी बात है कि इसमें 63 जो महापुरुष रहे उनका जीवन चरित्र आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसीलिए हम जो आपके ये पुष्पदंत रहे हैं, पुष्पदंत को हम किस में रखते हैं कि ये रास परंपरा के अंतर्गत भी आते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है महापुराण के रचयिता कौन रहे, ये रहे पुष्पदंत या पुष्य कवि, जबकि पौमचर्यु ये स्वयंभू की रचना है, ऋठणेमीचर्यु भी स्वयंभू की रचना ही है। यहाँ पर नयकुमार चर्यु जो रहेगी ये भी रहेगी आपकी पुष्पदंत की रचना, इसको भी याद रखना है। और ऋठणेमीचर्यु में श्री कृष्ण का उल्लेख भी सबसे पहले अपभ्रंश में किसके द्वारा किया गया? स्वयंभू के द्वारा किया गया है। इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि अपभ्रंश काव्य में कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? स्वयंभू के द्वारा किया गया है ऋठणेमीचर्यु में। इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न भी, ठीक है। नयकुमार चर्यु, यहाँ पर इसका मतलब है नागकुमार चरित। अगर मान लीजिए कभी आपको पूछा जाए कि नागकुमार चरित किसकी रचना है, तो आप नयकुमार चर्यु के रचयिता जो पुष्पदंत रहे हैं उनको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर चर्यु शीर्षक से क्या अभिप्राय था ये आपको बताना है। अर्चना, चरित्र, चरित्र, चलिए अर्चना जवाब नहीं दे रहे हैं, कृष्णा एंड सीता औरों को मौका नहीं दे रहे, चलिए ठीक है। गोरखवाणी का संपादन किसने किया था? गोरखवाणी का संपादन किसने किया था? बहुत ही आसान प्रश्न है, ये भी आपको बताए हुए हैं सारे के सारे प्रश्न, और इसी तरीके के प्रश्न आपको बनेंगे देखना पेपर में। रजनी, अगर आपकी पहली क्लास है तो आपको पीछे के लेक्चर्स एक बार फिर से देखने हैं, जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं, है ना, तब आपको एक कनेक्टिविटी मिल जाएगी कि क्या क्या चीजें हमने पहले इसमें पढ़ी हैं शुरुआत से। शाबाश शाबाश, 9 लोग आंसर कर रहे हैं, 3 लोगों का जवाब नहीं आ रहा है, 3 लोगों का जवाब नहीं आ रहा है। तो जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं वो
ये आंसर करते रहिए। सीता नेगी, पंकज एंड रश्मि, सिर्फ तीन लोग इसका जवाब कर रहे हैं। क्या बात है, इतना आसान प्रश्न और ऊपर से आपने इसको गलत कर दिया। मतलब अभी तो बहुत ज्यादा जरूरत है इसका, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, गोरखवाणी का मतलब गोरखनाथ नहीं होता, ठीक है, गोरखवाणी का मतलब गोरखनाथ नहीं होता, इसका मतलब होता है पीताम्बर दत्त भड़तवाल। इसने इसके जो गोरखनाथ के जो 14 ग्रंथ थे उनको इसने क्या किया, गोरखवाणी शीर्षक से संपादित किया। ये इंपॉर्टेंट चीज है किसके बारे में, आपके जो गोरखनाथ रहे हैं उनके बारे में। गोरखनाथ को मिश्र बंधुओं ने माना कि ये हिंदी के पहले गद्य लेखक रहे हैं। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, देखना। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक रहे गोरखनाथ। और पीताम्बर दत्त भड़तवाल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्होंने जो निर्गुण काव्य परंपरा रही है ना, उसके ऊपर इनका सबसे पहले हिंदी में शोध कार्य इन्होंने किया है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न इनसे और बनता है ना। इंपॉर्टेंट नाम है पीताम्बर दत्त भड़तवाल, है ना। और गोरखनाथ कितने ग्रंथ रहे इनके, 14 ग्रंथ रहे, शब्द पद वगैरह वगैरह वो इतने ज्यादा जरूरी नहीं है इनके जो ग्रंथ रहे हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ चीजें हैं। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ये सबसे बड़े लोकनायक रहे हैं भारतवर्ष के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि शंकराचार्य के बाद सबसे बड़ा लोकनायक इनको कहा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने युग के सबसे बड़े नेता भी इनको कहा जाता है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, वो भी आप ध्यान रखें। बाकी हरदेव बाहरी और बलदेव उपाध्याय ने इस संबंध में कोई ज्यादा चीज नहीं कही है ना। तो ये ध्यान रखना है, गलत नहीं करना इस प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और इसको यूं गलत मत कीजिए आप। खुसरो का वास्तविक नाम बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमीर खुसरो जो रहे हैं उसका वास्तविक नाम आपको बताना है। चलिए देखते हैं कितने इसको ठीक करते हैं और कौन कौन लोग इसको गलत करते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपका प्रश्न और आपको पोल के जरिए इसका आंसर करना है। विकल्प हैं निजामुद्दीन औलिया, सैफुद्दीन महमूद, अमीर अब्दुल खुसरो, अबुल हसन, यमीनुद्दीन अमीर खुसरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमीर खुसरो से आपको बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, देखना। इनका सामान्य परिचय, इनकी रचनाएं, इन्होंने किन किन जो आपके वाद्य यंत्र रहे, ये प्रश्न आपको पिछले कल टेस्ट में रखा गया था कि अमीर खुसरो ने कुछ वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार किया है, ईजाद किया है, वो कौन कौन से रहे, उनको भी साथ साथ आप देखते रहें, है ना। इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न। सीता नेगी, सरिता, अर्चना, साथ ही साथ सुमन, किरण, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन सब लोगों ने ठीक किया है, बहुत अच्छे, इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं थी रखी आपने, बहुत अच्छा। अब्दुल हसन, यमीनुद्दीन, अमीर खुसरो, देखना यहाँ पर अब्दुल नहीं होगा, अगर यहाँ पर अब्दुल होगा तब ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया रहे इनके गुरु, जिनकी मृत्यु पर इन्होंने कहा था, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भाई चाहू देश। इंपॉर्टेंट है ये वाली पंक्ति भी, इसको याद रखना है। निजामुद्दीन औलिया गुरु रहे, जबकि जो सैफुद्दीन महमूद रहे ये रहे इनके पिता, ठीक है, सैफुद्दीन महमूद या मोहम्मद ये इनके पिता थे, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एंड साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है कि ये लोकोक्तियों, सॉरी, जो आपका क्या कहते हैं उनको, ये आपका कहावतें क्या रही, वो पहेलियां, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहा अमीर खुसरो का नाम, पहेलियों और मुकरियों के लिए। साथ ही साथ तबला और सितार का इन्होंने आविष्कार किया था, ये वाली बात आपको पिछले कल बता दी गई थी, इसको भी आप वहीं से याद रखिए, ठीक है। बाकी इनकी पहेलियों और मुकरियों से कभी कभार एक आधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उनको आप एक बार बुक से जरूर याद रखें, हो सकता है ये चीज आपको पूछी जाए अमीर खुसरो के बारे में। और अमीर खुसरो ने अपने समय में सबसे ज्यादा शासकों का शासन जो है वो देखा था, उसको भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इनको हिंदुस्तान की तूती या तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये प्रश्न भी इनसे बनते हैं, देखना, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है। देखिए, जैसे जैसे जो जो रचना आती जाएगी उस रचना के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये आदिकालीन रचनाएं ही हैं अभी तक, है ना। इनडायरेक्टली जो स्टडी आप कर सकते हैं उसको साथ साथ में करते रखना है, है ना। उक्ति व्यक्ति प्रकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आदिकाल से जो रचना रखी गई है यहाँ पर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है। स्क्रीन पे आपके पास चार विकल्प हैं, दामोदर शर्मा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, रोड़ा कवि और धनपाल। सारे के सारे रचनाकार इंपॉर्टेंट हैं, इन सब से आपको कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर बनते ही बनते हैं, देखना, इनकी रचनाओं से रिलेटेड। एलिमिनेट करेंगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा आंसर, है ना, बस आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। चार लोग अभी भी आंसर नहीं कर रहे हैं, शाबाश, जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं वो लोग भी जल्दी से आंसर कीजिए। सीता, कृष्णा एंड अर्चना, बहुत बढ़िया। आधे लोग गलत कर रहे हैं और आधे लोग ठीक कर रहे हैं, ऐसा क्यों है,
इस प्रश्न में तो सबका ठीक होना चाहिए था, ये प्रश्न आपको कितनी बार बताया हुआ है। पंडित जो दामोदर शर्मा रहे, इन्होंने इसकी रचना की है और ये एक व्याकरणिक ग्रंथ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। व्याकरणिक, व्याकरणिक ऐसे नहीं लिखेंगे, व्याकर यहाँ पर हो जाएगा आपका इस तरीके से, व्याकरणिक ग्रंथ रहा ये। ज्योतिरीश्वर ठाकुर इनकी रही आपकी वर्ण रत्नाकर प्रसिद्ध रचना, और ये आदिकालीन आपके जो व्याकरणिक ग्रंथ का मतलब है, ये आदिकालीन गद्य साहित्य के अंतर्गत आने वाली रचना है, जो आपकी दामोदर शर्मा की उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने भी वर्ण रत्नाकर लिखा, इसको भी हम आदिकाल के गद्य साहित्य की रचना मानते हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना है। वर्ण रत्नाकर के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पहले से ही बता दी गई हैं, उनको आप एक बार फिर से देखिए। वर्ण रत्नाकर का मतलब क्या है, वर्ण रत्नाकर का मतलब है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, और साथ ही साथ ये मैथिली हिंदी में रचित पहली रचना, उसको भी याद रखिए। साथ ही साथ यहाँ पर इसका जो ढांचा है वो विश्वकोशात्मक रहा, एंड जो 84 सित रहे हैं उनका जिक्र भी इस रचना में सबसे पहले मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और वर्ण रत्नाकर में ही अवट शब्द का भी पहला प्रयोग देखने को मिलता है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। रोड़ा कवि की अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिया, रोड़ा कवि को, कि रोड़ा कवि की प्रसिद्ध रचना रही आपकी कौन सी, राहुल बेल, राहुल बेल, यस, उसको भी याद रखना है, ये भी हमने देख लिया था। राहुल बेल की जो रचनाकार ये रोड़ा कवि रहे हैं, इनको भी हम किसमें लेते हैं कि गद्यात्मक कृति रही है ये वाले भी, ठीक है। और राहुल बेल को चंपू काव्य कहा गया है, हिंदी का पहला, सबसे पहले नक्षिक वर्णन उसी में देखने को मिलता है, एंड साथ ही साथ याद रखना है कि उसमें 7 बोलियों का मिश्रण रहा, जिसमें से राजस्थानी जो है प्रमुख बोली रही है। ये प्रश्न भी आपको साथ साथ में इससे बनाते रहना है, अगर खाली प्रश्न भी बनाएंगे तो मैं समझता हूँ एलटी टेट आपका उसी से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आता है यहाँ पर धनपाल, धनपाल से आपको क्या चीजें याद रखनी है, धनपाल की जो रचना रही भविष्य कहा, भविष्यत कहा भी उसको कहा जाता है, भविष्य दत्त जो है इसका नायक रहा है, उसको भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये वाली रचना भी। नेक्स्ट आता है पुष्प दंत की रचना, यहाँ पर रचना से हो गया, इसको आप ठीक कर लीजिए, इसकी जो वर्तनी है उसको ठीक कर लेना है। पुष्प दंत की रचना कौन सी नहीं है, ठीक है, ढंग से देखना है कि पुष्प दंत की रचना इनमें से नहीं है वो कौन सी है। चलिए देखते हैं कितने लोग इसको ठीक करते हैं। ये चरियु चरियु आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगा कि चरियु शीर्षक से सबने लिखी है, मुझे तो महापुराण लग रहा है कि पुष्प दंत की नहीं है, बाकी आप लोगों को पता नहीं मेरे साथ कितने लोग हैं। ये तो लग रहा है मुझे कि इसमें विकल्प नंबर दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं गलत है ना, ये नहीं हो सकती इसकी। चलिए देखते हैं कितने लोग इसको मेरा कहा मानते हैं और कितने लोग जो हैं मुझे अकेला छोड़ते हैं। सीता नेगी, कृष्ण शर्मा, पंकु और बहुत कम लोग जो हैं वो सही कर रहे हैं। मेरे साथ कौन है, 4 लोग आ गए मेरे साथ बी में, क्या बात है। ओके, 4 लोग मेरे साथ दे रहे हैं, मैं खुद भी डूब रहा हूँ और आपको भी ले डूबूंगा, है ना। मैंने इश्क तेरा ले डूबा, कौन सा गाना है वो, ऐसा गाना है ना। तो यहाँ पर महापुराण नहीं था, महापुराण अभी तो हम डिस्कस करके हटे थे पीछे, अभी तो हमने डिस्कस किया महापुराण को इतना ज्यादा कि 63 महापुरुष गुणालंकार इसको कहा जाता है ना। तो महापुराण तो था ही नहीं, ये तो आपको उसी टाइम समझ जाना चाहिए था कि अगर मैं इसको कह रहा हूं तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। तो जसहर चरियु, यशधर चरियु के नाम से या यशोधरा चरित के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये इनकी रचना रही है पुष्पदंत की। महापुराण भी इनकी रही, नय कुमार चरियु, नाग कुमार चरित, ये भी इन्हीं की रचना ही रही है, इसको आपको याद रखना था। यहाँ पर जो रिठनेमी चरियु है, रिठनेमी चरियु किसकी रही, ये रही स्वयंभू की, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। और इसमें ही कृष्ण का उल्लेख मिलेगा अपभ्रंश में सबसे पहले, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। इसको नाम दिया गया अरिष्टनेमी चरियु, अदश ट अरिष्टनेमी, इस तरीके से अरिष्टनेमी चरियु के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, पृथ्वीराज रासो में सर्गों का क्या नाम दिया गया है, ये तो 100% ठीक होना चाहिए, ये कल भी आपको प्रश्न दिया गया था, अगर आज इसको गलत किया तो समझिए फिर आप गलत दिशा में जा रहे हैं, है ना। अगर इसको गलत किया तो फिर आप सही दिशा में नहीं है, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जिस तरीके से मतलब कि आप अपना जो एंड्रॉयड फोन चलाते हैं ना, आपको हर एक फीचर उसके पता होते हैं, ये वैसा फोन है, आपको पता है कि मैंने अपना पैटर्न कैसे रखा है, जिस तरीके से आप अपने मोबाइल का लॉक जो नहीं भूलेंगे वैसे ही इस प्रश्न को भी नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन लोग जो है इसको सही करते हैं और कौन जो है
टफ लॉक रखे हुए है अपने फोन में और वो इसको गलत कर रहा है। सीता, पंकज, क्या बात है, सब लोगों को अपने मोबाइल का पैटर्न ही पता नहीं है, हैं? सिर्फ 3 लोग इसको सही कर रहे हैं और आधे लोग तो डर के मारे बता ही नहीं रहे हैं कि हमारे फोन का पैटर्न ऐसा है, हैं? कौन लोग ऐसा बता रहे हैं? ये सुमन, अर्चना एंड रजनी ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि हम लॉक नहीं खोलने देंगे किसी को, हैं? ये तो बहुत गलत बात है। इतना आसान प्रश्न, मतलब पिछले कल वाला प्रश्न अगर सही तरीके से देखा होता तो आप लोग इसको कतई गलत नहीं करते, है ना? लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड है। देखना, ऐसी गलतियां, ये तो जघन्य अपराध, सुना है एक नाम, ऐसा शब्द सुना होगा आपने कि एक जघन्य अपराध होता है, एक सिर्फ अपराध होता है। तो मतलब ऐसे लड्डू प्रश्न को अगर गलत करते रहेंगे तो एलटी टेट कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है। सर्गों को इसको समय नाम दिया गया है, ये याद रखना है। सर्ग भी कई बार लिखा भी जाता है इसमें, वो भी आप याद रखिए, लेकिन जरूरी जो है, मेन जो है इसमें, वो समय कहा गया है। और इसमें समयों की संख्या कितनी थी, ये 69 थी। अगर 68 पूछ जाए तो 68 इसमें छंद थे, ये ध्यान रखना है, 68 रहे छंद और जो 69 रहे समय, ठीक है। और इसकी जो रचनाकार रहे चंद वरदाई, उनको कहा गया है किसका, छप्य छंद का बादशाह, है ना। ये प्रश्न भी पूछा जाता कई बार कि छप्य छंद का बादशाह किसको कहा गया है, बादशाह नहीं सॉरी, छप्य छंद का विशेषज्ञ, तो वो कहा गया आपके ये जो चंद बरदाई रहे हैं उनको। मजा नहीं आ रहा है क्या क्लास में, इंटरेस्टिंग नहीं है, नहीं कर रहे हैं एंजॉय? कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। तो आधे लोग निकल क्यों रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है या फिर कुछ समझ नहीं आ रही है चीजें, या फिर बहुत ही टफ लग रहे हैं प्रश्न, ज्यादा टफ है? नो सर, टफ कंसिस्टेंसी है। जिन लोगों ने तो पढ़ा है उनके लिए तो अच्छे हैं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको तो ऊपर से जाएंगे। पृथ्वीराज, रासों में किस रस की प्रधानता है? चलिए, ये प्रश्न आपको लास्ट डे भी शायद इससे मिलते जुलते ही प्रश्न थे, वहां से तो आपको याद रखना था। इसमें किस रस की प्रधानता है ये आपको बताना है। देखिए, रासो साहित्य के बारे में अगर आप पढ़े होंगे, वहां पर मैंने ये चीजें आपको बताई हुई है, सारी की सारी चीजें बताई है, है ना। तो तब तो आपको कोई परेशानी वाली बात इसमें है ही नहीं। अगर फिर नहीं दिया होगा ध्यान रासो साहित्य में तो फिर मुश्किल हो सकती है। रासो साहित्य के चलते ही जो आपका आदिकाल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, है ना, बहुत कम लोग अब आंसर कर रहे हैं, अब तो दे ही नहीं रहे हैं जवाब, क्या बात है। ये क्या हो गया, अब तो मैंने कल से ना तो मैंने आपकी क्लास लगानी है ना मैंने आपको अब पढ़ाना। चलिए, इसमें तो सबने ठीक किया, इसमें सबने ठीक किया, लेकिन एक आंसर यहाँ पर गलत हो गया। कौन? अच्छा, रजनी, ओके। वीर और रद्र, रद्र रस, वीर और, तो ये तो दोनों सहयोगी रस है। यहाँ पर वीरता के साथ साथ जो श्रृंगार रस है ना, इसको रखा था इसमें, श्रृंगार रस को भी इसमें प्रमुखता से रखा गया है। देखना, एक ही रचना यहाँ पर श्रृंगार रस की आती है, जो मेन मतलब प्रमुख श्रृंगार है वो बीसलदेव रासो है, लेकिन यहाँ पर सहायक जो रस रहा वीरता के साथ साथ वो श्रृंगार रहा, किसके किसमें, आपका जो पृथ्वीराज रासो रहा है इसमें। तो ये भी आप याद रखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम जो भी आपका रासो साहित्य है वो वीर रसात्मक रहा, ठीक है, लेकिन बीसदेव रासो से आपको याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो उसको माना कि वो पहली क्या रही है आपकी, पहला वीर गीत परंपरा का ग्रंथ रहा, लेकिन उसका जो प्रमुख रस रहा, प्रधान रस जो रहा है वो श्रृंगार रस रहा, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, ये प्रश्न सबसे पहले कौन करेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। शाबाश, मुझे लग रहा है मजा नहीं आ रहा है क्लास में, और एक जो पॉजिटिविटी वाली बात होती है ना वो नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही का मतलब क्या है कि आप 50% के साथ क्लास में अगर आ रहे हैं, लास्ट खत्म अगर आप 25% के साथ कर रहे हैं, या तो फिर मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत वाली बात हो रही है, या फिर आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहा हूँगा मैं। तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, रश्मि कह रहे हैं कि ये तो विद्यापति को कहा जाता है, ठीक है, सीता नेगी, अन्नु, ओके, 8 लोगों ने जवाब ठीक दिया है। ओहो हो, ऋतिक ऋतिक ऋतिक, ऋतिक ये आगे जो आपने नंबर लिखा है 19 13 19, इससे क्या मतलब हुआ? हम्म,
क्लास रोल नंबर है क्या? मैंने तो दिया नहीं रोल नंबर आपको। चलिए, यहां पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ऋतिक ने आज जरा भी पढ़ाई नहीं की है? विद्यापति, और दिन तो ठीक करते थे ऋतिक, आज क्या हुआ है आपको? जवाब भी नहीं दे रहे हैं, कुछ परेशानी में है क्या? चलिए नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं। मैथिल कोकिल, किस रचना के आधार पर कहा गया था इनको, कौन बताएगा? रश्मि, रश्मि सर, किस रचना के आधार पर इसको मैथिल को? मैथिली में जो उन्होंने लिखी थी सर। मैथिली की कौन सी रचना रही इनकी जिसके चलते इनको कहा गया कि ये मैथिल कोकिल हैं? पद्मावली। चलो थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया। पद्मा कहाँ से आ गई? पद्मा तो नहीं। पदावली। यस यस यस, इम्पोर्टेंट है वो वाली रचना देखना, उसके चलते इसको कहा गया मैथिल कोकिल। इसके अलावा इसकी कुछ और उपाधियां रही हैं, उन सबको याद रखेंगे साथ साथ में आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कीर्तिलता की भाषा क्या थी? कीर्तिलता की भाषा क्या थी? बहुत ही सिंपल और आसान सा प्रश्न है ये वाला भी। कीर्तिलता, देखिए कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली है ना, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा है ना, तो इनको आप एक बार देखिए। शैव सर्वस्व सार, कुछ इस तरीके की इनकी रचनाएं रही हैं, उनको भी आपको साथ साथ में याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके विद्यापति जो रहे हैं। ठीक है, विद्यापति से आपको प्रश्न आते ही आते देखना, एक विद्यापति हो गया, एक अमीर खुसरो हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको फुटकल कवियों की श्रेणी में रखा है आदिकालीन। ठीक है, वो वाली बात ध्यान रखिए। सीता नेगी, रश्मि, कृष्णा शर्मा, बहुत अच्छे, पंकज, अनु, छह लोगों ने सही जवाब दिया है, एक आंसर गलत हो गया है। सरिता गलत कर रहे हैं, कुछ लोग जो है गलत, कुछ लोग गलत करने के चक्कर में कर ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर अवहट रही इसकी भाषा है ना, और अवहट को इसने कहा देसिल बहाना, ये ध्यान रखना है, देसिल बहाना है ना। और इसी संदर्भ में इनकी एक पंक्ति आती है आगे, देसिल बहाना सब जन मिठा, तय तैसन जपो अवट्ठा, ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है, इसको भी इसके साथ ही आपने ऐड करना है। ओके चलिए नेक्स्ट है, खुसरो ने स्वयं को तोता ए हिंद कहा, इसके अलावा किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने भी उन्हें तोता ए हिंद कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला, चलिए देखते हैं कितने लोग करते हैं इसको ठीक। तोता ए हिंद, चौमन तूतीय और राष्ट्रपुरुषी, इस तरीके से कहा था ना इसने, जिहाल मिस्किन मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया, ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है, ये वाली गजल देखना, गजलकार के रूप में प्रसिद्ध रहे अमीर खुसरो। खुसरो की पहेलियां मुकरियां याद रखिए, और देखते हैं कितने लोग इसको ठीक कर रहे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, खुसरो ने कहा था स्वयं को तोता है हिंद, लेकिन साथ ही साथ किसी और ने भी कहा, कृष्णा कह रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, सीता भी कह रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, लगभग सब ने ठीक किया है, बहुत अच्छे अलाउद्दीन खिलजी, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवंत गिरी रास किसकी रचना है? ये वाला प्रश्न देखते हैं कौन कौन लोग सही करते हैं। रेवंत गिरी रास, रास परंपरा से पूछा गया प्रश्न है ये यहाँ पर, चलिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, और इसी तरीके के प्रश्न आपको एल्टीटेट में पूछे जाएंगे, कोई भी मुश्किल प्रश्न आपको नहीं आएगा है ना। रेवंत गिरी रास में जो जैन तीर्थकर रेवंत गिरी रहे उनका इसमें जिक्र रहा है, ये भी आप ध्यान रखें, और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर चार विकल्प है, चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन सब से, इन सब की रचनाओं के बारे में आपको पूछा जा सकता है रास परंपरा के ग्रंथों में से है ना। चलिए देखते हैं कितने लोग करते हैं इसको ठीक, और कौन कौन मारते हैं इसमें तुक्का, बहुत अच्छी बात है, सिर्फ और सिर्फ तीन लोग जवाब दे रहे हैं अच्छे से, बाकी लोग जो है हाथ खड़े कर चुके हैं, भाई हमारे बस की बात नहीं है, तो ये तो गलत बात है। ये भगवान, क्वेश्चन शो नहीं हो रहे हैं क्या? सुमन, सुनीत, सरिता, रजनी, ऋतिक, रश्मि,
क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है क्या? शो हो रहे हैं सर। सर हो रहे हैं। विजय सेन सूरी रेवंत गिरिराज पढ़े नहीं है आप, आपको पता है सैटरडे को हो गया था ये हमारा आदिकाल कंप्लीट। मैंने कहा था कि जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके तुरंत बाद आपको टेस्ट के लिए तैयार रहना है। पाक्षिक टेस्ट अभी होना आपका बाकी है, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें तो भाषा वाला पोर्शन भी पूछा जाएगा है ना। ये तो खाली आदिकाल से था, उसमें भाषा भी पूछा जाएगा, उसमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन भी पूछा जाएगा, नामकरण भी पूछा जाएगा, काल विभाजन भी पूछा जाएगा, तो उसमें क्या किया जाएगा फिर है ना आदिकालीन। तो चलिए खैर उसमें रहेंगे ही रहेंगे कुछ एक प्रश्न, लेकिन उसमें क्या किया जाएगा 15 दिन के बाद। आज आपको 15 दिन हो गए हैं क्लास लगाते लगाते है ना, तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा, 5 तारीख से पहले पहले वो हो जाएगा आपका। ठीक है, विजय सेन सूरी रेवंत गिरिराज, विनय चंद्र सूरी इन्होंने लिखी थी आपकी नेमिनाथ चौपाई, जबकि सुमति गणी की इनकी रही नेमिनाथ रास। ठीक है, और जो आपके जिन धर्म सूरी रहे, जिन धर्म सूरी की कौन सी थी, उपदेश रसायन रास। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोरखनाथ किसके शिष्य थे, गोरखनाथ किसके शिष्य थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला भी, और आसान होना चाहिए। आसान तभी होगा अगर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर तो ये फिर ये मुश्किल होगा है ना। चलिए देखते हैं कितने लोग कर रहे हैं इसको ठीक। शाबाश, सारे लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। सीता नेगी एंड पंकज, सिर्फ 2 लोगों ने सही किया है। ये भगवान, ये प्रभु हमको ज्ञान दीजिए, ये वाली आर्त वो गाया करके सुबह सुबह विद्या का हमको वरदान दीजिए। ये जो विष्णु शर्मा था इसी का नाम था मत्स्येंद्रनाथ, मच्छंद्रनाथ, मीननाथ है ना, यही रहे इनके गुरु, ये ध्यान रखना है, और इनसे प्रश्न बनता ही बनता है देखना। मत्स्येंद्रनाथ, विष्णु शर्मा, चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, ये भी इसको कहा जाता है ना। जलंधरनाथ, जलंधरनाथ तो था ही नहीं, जलंधरनाथ तो कणप्पा के गुरु रहे, ठीक है ना। आदिनाथ पहले तीर्थ कर रहे, जिनको ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है, और बाद के जो आपके रचनाकार रहे उन्होंने इसको शिव के नाम से कहा, ठीक है, शिव इसको कहा गया था आदिनाथ को। चरपटनाथ, चरकानंद, हिमाचल प्रदेश से संबंधित रहे, चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, चरपटनाथ इंपॉर्टेंट है, ये भी चरकानंद के नाम से जाना जाता है इसको, ध्यान रखना है। यही तो नाथों में इंपॉर्टेंट है 4-5 नाम। एक नागार्जुन आता है जिसको रसायनी के नाम से जाना जाता है, जलंधर को जिसको बालनाथ के नाम से जाना जाता है ना। या तो इनके अन्य नाम पूछे जाएंगे, या फिर इनके गुरु का नाम पूछा जाएगा, या फिर गोरखनाथ के बारे में पूछा जाएगा कि गोरखवाणी का संकलन किसने किया। सिंपल सिंपल प्रश्न है, इनको गलत मत कीजिए, ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था, विद्यापति के गुरु का नाम क्या था, चलिए ये प्रश्न देखते हैं कौन कौन लोग जो है ठीक करते हैं। विद्यापति के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर ये भी नहीं आएगा। मैंने आपको बताया है बकायदा एक एक इतिहास, ये जो साहित्य रहा है, चाहे वो आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य हो, चाहे आदिकाल का सिद्धनाथ हो, जैन हो, रासो हो, एंड आपका गद्य साहित्य हो, लौकिक साहित्य हो, या फिर आपके फुटकल साहित्यकार रहे हो है ना, इन सब के बारे में आपको बताया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने लोग करते हैं इसको ठीक। सीता, पंकज, अंजना, बहुत बढ़िया, बाकी लोग कर रहे हैं इसको फिर से गलत। जो लोग कर रहे हैं गलत वो लोग इसको एक बार फिर से देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाथों में बालनाथ के नाम से किसे जाना जाता है, नाथों में बालनाथ, अब भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, अगर इसको गलत कर दिया तो फिर खैर नहीं, मैंने जस्ट अभी बताया है पीछे वाले प्रश्न में, ये नोट डाउन नहीं किया है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ, उस टाइम नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में जो भी चीज मैं बता रहा हूँ, अभी बताया मैंने जस्ट 2 मिनट, और सब लोगों को ये करना है। यहाँ पर जो छोड़ेगा इस क्वेश्चन को वो फिर क्या, कुछ भी नहीं, मैं यहाँ आप वहां, जैसा आपने करना वैसा आपकी इच्छा है ना। चलिए मैं तो सिर्फ कह ही सकता हूँ, करता
करता धरता तो आप ही हैं। चलिए आधे लोग ही कर रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पंकज सीता रश्मि ओके। कुछ लोगों का जवाब अभी भी गलत आ रहा है। कुछ लोग अभी भी गलत कर रहे हैं। ध्यान पता नहीं आपका क्लास में ही है। कितने लोग खाना बना रहे हैं साथ में? डिनर की तैयारियां कौन कौन लोग कर रहे हैं? तभी ध्यान बन सकता है ना। क्या कोई साथ में चैटिंग तो नहीं कर रहा है बाबू सोना के साथ? तब भी हो सकता है कि गलती होने की गुंजाइश हो, है ना। जलंधर नाथ को ही बालनाथ कहा जाता। चरपट नाथ, चरकानंद, नागार्जुन, रसायनी, चौरंगी नाथ, पूरन भगत, ये तो इनके नाम रहे, बाकी तो नहीं। वीडियो ऑन करवानी पड़ेगी सभी की। हाँ वीडियो ऑन करवानी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट। नाथपंथियों की भाषा क्या थी? नाथपंथियों की जो भाषा रही वो कौन सी भाषा थी? चलिए देखते हैं इसको कौन कौन ठीक करते हैं। नाथपंथियों की भाषा भी बताई गई है सबको। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं था इन प्रश्नों में जिनको आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, है ना। नाथपंथियों की भाषा क्या थी ये प्रश्न आपको बताने हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। नाथपंथियों की भाषा तो होनी चाहिए थी ये राजस्थानी, है ना। क्या बात है अंजना, पंकज, बाकी लोगों ने तो अपने अपने तुक्के से इसको बड़े अच्छे तरीके से किया हुआ है। सदुकड़ी, सदुकड़ी मतलब, सदुकड़ी मतलब क्या है कौन बताएगा? सदुकड़ी से क्या अभिप्राय है? अनु गुप्ता, सदुकड़ी से क्या मतलब है? किस किस का मिश्रण है सदुकड़ी? राजस्थानी और खड़ी बोली। ओके हाँ जी सर, राजस्थानी खड़ी बोली। अगर डिंगल पूछा जाए, डिंगल और पिंगल, वो किससे बनती है? सर राजस्थानी प्लस अपभ्रंश। क्या बनेगा? डिंगल। और पिंगल? पिंगल सर राजस्थानी प्लस आपने बताया था क्या, ब्रज भाषा शायद, ब्रज भाषा ही। हाँ मतलब ये सेम ही है, थोड़ा सा इसमें अंतर है, तो इनको ध्यान रखिए। आप ये प्रश्न भी कई बार पूछाते, डिंगल और पिंगल शैली जो रही है ये इंपॉर्टेंट रही है आदिकाल में। किसका अन्य नाम आलाखंड था? ये तो 100% ठीक होना चाहिए, बहुत बार ये रिपीट होता है ये वाला प्रश्न। आलाखंड के नाम से किस रचना को जाना जाता है? सबसे पहले कौन करेगा? 5 सेकंड से पहले पहले कौन करेगा इसको देखते हैं। किसी ने नहीं किया अभी तक, सोच ही रहे हैं। चलिए चलिए शाबाश, बहुत अच्छे। अभी 7 क्वेश्चन और रह गए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए आंसर। बहुत बढ़िया सीता, पंकज, रश्मि, बाकी लोग कर रहे हैं इसको भी गलत। हाँ, फिर से पढ़िए। मैं तब तक आगे नहीं पढ़ूंगा जब तक आप आदिकाल ठीक से नहीं कर लेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देखना, परमाल रासो का ही अन्य नाम है आलाखंड। आला का मतलब हुआ एक तरीके से लोकगीत जो वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। परमाल रासो जगनिक की प्रसिद्ध रचना रही है। आला उदल नामक दो वीर सरदारों की कथा का इसमें वर्णन मिलता है। विजयपाल रासो नलसिंह भाट, है ना, एंड खुमान रासो दलपति विजय रणमल छंद, ये किसकी रचना रही? श्रीधर की रचना रही है, ये भी आपको याद रखनी है। आला वर्षा ऋतु में किस राज्य में गाए जाते हैं? अब भी मैंने बताया, चलिए इसको प्रश्न में खुद ही बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में। अभी बताया थोड़ी देर पहले। शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। कितने लोग करते हैं ठीक? शुक्ल के अनुसार आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया गया है? ओ नो, इसका पोल आ गया है गलत, स्टॉप कर दूं। चलिए स्टॉप कर देता हूं। कोई बात नहीं, कितने लोगों ने, हाँ सारे लोग सी की तरफ चले गए थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 12, हाँ गलत हो गया, 75 तो
हाँ 75 बाद में मिश्र बंधु ने कर दिए थे, और उसने पहले जो है इसमें 19 रखे थे, 9 जो है ये गृहस्थ ने रखे थे, ठीक है ये ध्यान रखना है। चलिए ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है, ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना रही है, ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा किस तरीके की रचना है ये भी आपको बताना है इसका आंसर। ढोला मारूरा दूहा ये रही आपकी लौकिक कृति, लौकिक साहित्य के अंतर्गत है ना, इसको भी आपको याद रखना है कि ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है और किस तरीके की कृति है और कौन सी भाषा इसमें रही, कहाँ पर ये प्रसिद्ध रही, ये प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं इससे संबंधित। तो चलिए कितने लोग करते हैं इस प्रश्न को ये देखते हैं साथ साथ में। ढोला मारूरा दूहा, सीता सरिता एंड अनु, शाबाश, एक प्रश्न एक आंसर गलत हो गया। राहुल बड़े लेट आया आप क्लास में और गलत करके जा रहे हैं, क्या बात है। ढोला मारूरा दूहा रही आपकी कलोल कवि की, बाकी बाद में जो कुशल लाभ रहे हैं है ना, उन्होंने भी इसमें बाद में कुछ एक पद जोड़े थे, लेकिन मूल रूप से कलोल कवि को आपको याद रखना है। और राजस्थान में ये प्रेम, राजस्थान की जो प्रेम कथा रही है ये इसमें ढोला और मारवाणी की प्रेम कथा और लौकिक साहित्य के अंतर्गत ये आती है। खुसरो की रचना आपको पहले से पता होनी चाहिए, रोड़ा कवि की आपको पता है कि इनकी जो रही राहुल वेल रही, मुनिराम सिंह की पाहुड़ दोहा रही हैं रचनाएं, याद रखनी है ये सारी की सारी, याद रखना पड़ेगा तभी अच्छा रहेगा। पंच पांडव चरित रास के रचनाकार कौन रहे हैं, पंच पांडव चरित रास, जिसको आता है वो हैंड रेज कर लें, जिसको नहीं आता है वो रहने दें, जिसको आ रहा है वो हैंड रेज कर दें भाई, एक ही एक को ही आता है, सीता को ही आ रहा है, बाकियों को नहीं आ रहा, पंकज कह रहे हैं हाँ, और शाबाश, और सारे लोग मना कर रहे हैं, रजनी पठानिया नहीं आ रहा है। पंच पांडव चरितरास, शालिभद्र सूरी द्वितीय, शालिभद्र सूरी द्वितीय, और ये जो रचना रही है पंच पांडव चरितरास, इसको कहा गया है रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है ये भी ध्यान रखना है, इसको लिख लीजिए, रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ किसको माना जाता है, ये माना जाता है पंच पांडव चरित रास को। रास परंपरा से अलग अलग प्रश्न बनेंगे कि रास परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ, तो रिपुदारण रास हो जाएगा जो संस्कृत भाषा में है। अगर पूछा जाए रास परंपरा का जो अपभ्रंश में लिखा गया पहला ग्रंथ, तो वो आपको याद रखना है कौन सा, उपदेश रसायन रास जिन्हें दत्त सूरी का। फिर अगर पूछा जाए आपको कि पहला धर्मेत्र रास ग्रंथ, तो वो संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना, ये वाला प्रश्न भी पूछा जाता है, देखना इसको भी याद रखना पड़ेगा। अगर पूछा जाए ऐतिहासिक, तो ये पंच पांडव चरित रास। अगर पूछा जाए कि हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो भरतेश्वर बाहुबली रास, जो किसकी रचना रही, शालिभद्र सूरी की। ये अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देवसेन को हिंदी का पहला कवि किसने माना है, देवसेन जो रहे इसको हिंदी का पहला कवि निम्नलिखित में से किसने माना है, शाबाश, देवसेन, देवसेन हिंदी का पहला कवि, देवसेन की प्रसिद्ध रचना रही श्राव का चार, ठीक है शराब का अचार नहीं, श्राव का चार है ना। तो पंकज एंड सीता दो लोग कर रहे हैं इसको ठीक, बाकी लोगों ने पता नहीं क्या किया होगा, यहाँ पर रहा आपका डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है ये ध्यान रखना था। बाकी सर्वमान्य मत भी रहा, शुक्ल ने तो महावीर ये आपके चंद्रप्रदाय को माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को मानते हैं, राहुल सांकृत्यायन सरप्पा को मानते हैं, ठीक है। आदिकाल में किस साहित्य का वर्णन नहीं मिलता है, आदिकाल में किस साहित्य का वर्णन नहीं मिलता है, चलिए सारे के सारे साहित्य ये हमने पहले ही लेक्चर में पढ़े थे जब हमने आदिकाल को स्टार्ट किया था वहां पर, ठीक है आदिकाल को स्टार्ट करते वक्त ही हमने इसके बारे में पढ़ लिया था,
और अभी के लेक्चर को भी अगर कंप्लीट आपने पहले से लेकर के अंत तक देखा होगा तो तब भी आप डेफिनेटली इसको ठीक करेंगे। आदिकाल में किस साहित्य का वर्णन नहीं मिलता है? सीता रजनी कृष्णा, बहुत अच्छे, क्या बात है, 100 हैं उसमें तो, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, क्या बात है क्या बात है, ऐसे अच्छा लगेगा, देखिए कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी गलती की तो अच्छा लगेगा। कवि शेखर की उपाधि किसे दी गई है? कवि शेखर की उपाधि, चलिए इसको 100% करके दिखाइए फिर मान दें। कवि शेखर, मुझे तो विद्यापति लग रहा है, पता नहीं क्यों, बस तो विद्यापति होना चाहिए, लग तो ऐसा ही रहा। अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया, देखिए 15 सेकंड बच गए हैं, अभी तक सिर्फ 3 लोग जवाब दे रहे हैं। कर दीजिए विद्यापति आंख बंद करके, यही होगा। चलिए भगवान के नाम पे विद्यापति है इसका आंसर, ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश। अभी मैं ठीक था, देखा, कभी कभी मैं ठीक बोल लेता हूँ, लेकिन आधे लोगों को मेरे पर विश्वास नहीं था, वो गलत कर रहे हैं, है ना, ए और बी और डी कर रहे हैं, उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे तो किसके ऊपर विश्वास रखेंगे? पुष्पदंत पाका की जड़, कवि कुल तिलक, रत्न, क्या और भी कहा गया इसको, अभिमान मेरु इसने खुद को कहा था, ठीक है। और विद्यापति कवि शेखर, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, खेलन कवि, जैसी पंचानन, है ना, ये इसकी उपाधियां रही हैं, इनको आप साथ साथ याद रखते रखिए। खुसरो तोताए हिंद स्वयंभू हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। पौमचर्यू में किसका चरित्र चित्रण किया गया है? पौमचर्यू किसका चरित्र चित्रण किया गया है इसको आपने बताना है। यह है आज का आखिरी प्रश्न, देखते हैं आखिरी प्रश्न को सही के साथ कौन समाप्त करता है। शाबाश, पौमचर्यू में किसका चरित्र चित्रण किया गया है ये आपको याद रखना है। पौमचर्यू, मेरे हिसाब से तो पौमचर्यू में सूर्य का था, तो विकल्प नंबर 4 सही है इसका आंसर, सूर्य का था ऐसा लग रहा है, कुछ में से कोई नहीं, सीता तो मेरे साथ होंगे ही नहीं कभी भी, सीता एंड कृष्णा एंड पंकज, बहुत बढ़िया, 6 लोगों ने सही कर किया है। अभी तो मेरे साथ एक भी नहीं आया, पता लग गया कि चोरी पकड़ी जाएगी। तो राम का जिक्र इसमें मिलता है भाई, ये ध्यान रखना है, विष्णु का अरिष्टनेमी चर्यु नहीं, कृष्ण का, वहां पर, यहाँ पर भी ये नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी चीजें यहाँ पर नहीं होंगी, यहाँ पर राम का चरित्र चित्रण देखने को मिलेगा आपको। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रश्न, इसको आप सारे लोग याद रखिए। तो ये थे आज के 30 प्रश्न, आई होप आप सब लोगों ने इन 30 प्रश्नों में एंजॉय किया होगा। अगर इन 30 प्रश्नों से और भी प्रश्न आप बनाते हैं जितने मैंने बताने की कोशिश की है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पूरा का पूरा आदिकाल आपका इसी में ही समाहित हो जाएगा। छिटपुट जो चीजें बचती हैं उनको आप एक बार फिर से देख लेना आदिकाल के अंतर्गत जो जो चीजें रहती हैं, है ना। और अभी आपका जो पाक्षिक टेस्ट होने जा रहा है उसके लिए भी तैयार रहें सारे लोग, क्योंकि वहां पर भी आपको कुछ एक प्रश्न जो है आदिकाल से ही मिलेंगे। ये आपको खाली ऐसे चाहिए या फिर बिना एनोटेशन के चाहिए इसको बता देना मुझे, नहीं तो मैं हटा देता हूं इसको। ऐसे चाहिए टिक किए हुए? सर ऐसे ही चाहिए। ऐसे चाहिए, ठीक है ठीक है, सर रिकॉर्डिंग में देख लेंगे हम वो तो। सर मतलब बिल्कुल रिकॉर्डिंग बिल्कुल साफ चाहिए, आंसर टिक नहीं चाहिए? सर रिकॉर्डिंग में वो देख लिया हम। हाँ हाँ रिकॉर्डेड देखते रहना, तो कोई बात नहीं, मैं साफ ही कर देता हूँ इसको ताकि आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़े बाद में। हाँ ये ठीक है, याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तब इसी बहाने पढ़ते भी रहेंगे, नहीं तो भरोसे पे बैठ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन जब भी आप करेंगे उसमें आपको यही रहेगा कि आपको क्या याद रखना है, आपको ना सिर्फ आंसर के बारे में पता होना चाहिए, आपके पास जो 4 विकल्प हैं वो कैसे आए, क्यों आए और उनका क्या औचित्य है, क्यों वो पूछे गए हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
उस तरीके से ही तैयारियां होती है। आप ये सोचेंगे कि आपने सिंपली क्या किया, आप सोचेंगे कि मैंने सिर्फ आंसर ढूंढना है, वो थोड़ी ना है, वो तो पता लग ही जाएगा आपको, है ना। उसको आप कहीं से पूछ के भी कर सकते हैं। जब चारों के चारों को आप डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको फिर और भी अच्छा लगेगा कि आपके एक प्रश्न से कम 5 प्रश्न और बन रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज है। ठीक है, ओके देन, मैं इसको हटा रहा हूं और ये हो गया है आपके साथ सेव। इसको देखते रहिए आप सब लोग। तो फिर ठीक था क्वेश्चन, मुश्किल तो नहीं लगे किसी को? मुश्किल तो नहीं लगा प्रश्न किसी को आज का? नो सर। चलिए, आप लोगों को तो नहीं लगेगा, आप दोनों को छोड़ के, पंकज, सीता, कृष्णा, इसके अलावा सर पढ़ानी होगा तो मुश्किल ही लगेंगे। ठीक था सर, ठीक है। चलिए, ऐसे ही प्रश्न रहेंगे, देखना इसी स्तर के रहेंगे, और पढ़ना तो पड़ेगा। अगर पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं, है ना, नहीं तो फिर टेट इतना आसान भी नहीं है जितना हम सोचते हैं, है ना। टेट की परीक्षा सबसे पहली सीढ़ी है, देखना ये, अगर यहीं पर हम डगमगा जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कल मिलेंगे फिर हम ठीक शाम 4 बजे नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ। तब तक सब लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।